प्लेसिबो इफेक्ट तब काम करता है जब आप किसी एक्सटर्नल चीज जैसे कि दवाई, डॉक्टर या इंजेक्शन पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं और कुछ टाइम के बाद बिना इनका इस्तेमाल किए आप मनचाहे रिजल्ट्स पा सकते हैं। क्या एक कानून को मानने वाले सिटीजन को किसी अजनबी को गोली मारने के लिए हिप्नोटाइज किया जा सकता है? जवाब है हाँ। क्वांटम मॉडल में स्पेस और टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसका मतलब हर पॉसिबल रियलिटी जो हम इमेजिन कर सकते हैं वो प्रेजेंट है और अवेलेबल है। अपने सोचने की ताकत का इस्तेमाल करके कैडेंस एक खुशहाल और बिना बीमारी की जिंदगी जी पाई। प्लेसिबो इफेक्ट की सक्सेस के लिए पुराने बिलीव्स जिनमें से ज्यादा झूठे हैं उन्हें बदलना जरूरी है। अगर आपसे कोई ये कहे कि आप अपने दिमाग से भी हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं तो क्या आप इस बात को मानेंगे? शायद नहीं। पर हम अपने दिमाग से बीमारी का इलाज भले ही ना कर पाए लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि दिमाग की शक्ति के बिना कोई दवाई भी हमको किसी बीमारी से ठीक नहीं कर सकती है। और ये बात हम जानेंगे जो डिस्पेंसा की इस बुक में यू आर दी प्लेसिबो मेकिंग योर माइंड मैटर। ये बुक समरी ना सिर्फ अपने दिमाग की वास्तविक ताकत को पहचानने में मदद करेगी बल्कि ये भी सिखाएगी कि किस तरह आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके एक बेहतर मुकाम हासिल कर सकते हैं। क्या सिर्फ अपने थॉट से ठीक होना पॉसिबल है बिना दवाई और सर्जरी के? डॉक्टर जो डिस्पेंसा उन लोगों के कई डॉक्यूमेंटेड केसेस को शेयर करते हैं जिन्होंने प्लेसिबो में विश्वास करके हार्ट डिजीज, डिप्रेशन, क्रिपलिंग एथराइटिस और यहाँ तक कि पार्किंसन डिजीज को भी उलट दिया। तो चलिए फिर इस पूरे कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ ये जानेंगे कि क्या ये सच में पॉसिबल है। डॉक्टर डिस्पेंसा प्लेसिबो इफेक्ट के कॉन्सेप्ट को बताने के लिए बहुत सी स्टोरीज को शेयर करते हैं। जेनिस नाम की एक औरत जो कि क्रॉनिक डिप्रेशन से सफर कर रही थी उनको इलाज के लिए प्लेसिबो थेरेपी दी गई। ब्रेन एक्टिविटी से पता चला कि उनकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गई। प्लेसिबो इफेक्ट बॉडी में बहुत ज्यादा फिजिकल चेंजेस ला सकता है। ये फॉल सर्जरी से रिकवरी मिलने पर देखा जा सकता है। मतलब सर्जरी हुई ही नहीं लेकिन मरीज को कहा गया कि हो गई है और वो ठीक हो गया। सांप रखने वालों की कहानी, करतब दिखाने वालों की गजब की स्ट्रेंथ, आग से खेलने वाले या जहर पीकर करतब दिखाने वाले लोग हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि ये लोग कैसे बॉडी के बायोलॉजिकल और केमिस्ट्री फैक्ट्स को बदल देते हैं जिससे वो ऐसे खतरनाक और जानलेवा चीजें कर पाते हैं। जवाब है प्लेसिबो थेरेपी। इस थेरेपी की मदद से माइंड थॉट्स के थ्रू हम अपनी बॉडी की बहुत सी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत पहले से ही बीमार लोग विश्वास की मदद से बहुत अच्छे से ठीक हुए हैं। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान एक अमेरिकन डॉक्टर ने घायल सोल्जर्स को दर्द में राहत देने के लिए मॉर्फिन की कमी होने के बाद नींबू पानी पिला दिया और इससे वो सोल्जर्स ठीक भी हुए। प्लेसिबो का कॉन्सेप्ट काफी सारे डॉक्टर की रिसर्च के बेसिस पर डेवलप हुआ है जो दिमाग और शरीर के कनेक्शन में विश्वास रखते हैं। डॉक्टर बेंसन ने पता लगाया कि थॉट्स को बदलने से बॉडी में फिजिकल चेंजेस किए जा सकते हैं। बहुत जल्द डॉक्टर्स ने शुगर पिल्स और दूसरी पिल्स को देना शुरू कर दिया। प्लेसिबो को कॉमनली ड्रग ट्रायल में यूज किया गया। न्यूरोलॉजिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग बॉडी ने सेम रिस्पॉन्स दिए जब दवाई के बजाय प्लेसिबो दिया गया। मतलब दवाई ना लो लेकिन दवाई के फायदे उठाएं। रिसर्च के समय जो सही और पॉजिटिव सोचते थे उन लोगों का आउटकम पॉजिटिव आया जबकि जो पेसिमिस्ट थे या नेगेटिव सोचते थे उन लोगों का नेगेटिव। ये इस बात को सपोर्ट करता है कि हमारा माइंडसेट हमारी फिजियोलॉजी में एक मेजर फैक्टर प्ले करता है। अब ये समझते हैं कि ब्रेन पर प्लेसिबो इफेक्ट कैसे काम करता है। प्लेसिबो इफेक्ट को बनाने के लिए तीन फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं। पहला कंडीशनिंग जिसका मतलब है एसोसिएटिव मेमोरी का इस्तेमाल अपने मन चाहे रिजल्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। दूसरा एक्सपेक्टेशन जिसका मतलब है सजेस्टेबिलिटी और फ्यूचर के लिए हमारा गहरा बिलीव। ये दोनों हमारे दिमाग और बॉडी में कुछ ऐसा बदलाव कर सकते हैं जिससे हमारी सोच रियलिटी में कन्वर्ट हो सकती है। तीसरा मीनिंग जब जिंदगी का मीनिंग और पर्पस एक्शन से जुड़ते हैं तब रिजल्ट्स और अच्छे होते हैं। हम अपनी जिंदगी एक प्रेडिक्टेबल मैनर में जीते हैं, एक ही चीज सोचते हैं और एक ही कामों को करते हैं जिसकी वजह से हम अपने दिमाग या बॉडी में कोई बदलाव नहीं ला पाते। आइए इस प्रोसेस को एक डीपर लेवल से देखते हैं। एक ही तरीके का काम एक ही ब्रेन सर्किट को एक्टिवेट करता है और सेम बॉडी केमिस्ट्री को बनाता है और सेम जीन को सिग्नल देता है। जीन सेम प्रोटीन बनाते हैं जो कि सेम हेल्थ बनाता है। आप अपने पास जैसे फ्यूचर को एक्सपेक्ट करते हैं और इसलिए आप वही इंसान बने रहते हैं जो आप पहले थे। मतलब आप पहले जैसी पर्सनैलिटी को बनाते हैं और इसके कारण आपको पहले जैसे रिजल्ट ही मिलते हैं। तो अगर आप एक डिफरेंट रियलिटी बनना चाहते हैं तो आपको अपनी पर्सनैलिटी को बदलना होगा। हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क नई थॉट्स और एक्सपीरियंस से फायर होता है। ये न्यूरॉन्स हमारे डीएनए को ट्रिगर करते हैं जो कुछ जीन को चेंज करके ब्रेन के स्ट्रक्चर को चेंज करता है। नई चीजें सीखना ऐसे ही हजारों नए कनेक्शन को दिमाग में बनाता है।
लेकिन चेंज को परमानेंट करने के लिए उसे बार बार रिपीट करना पड़ता है। न्यूरो सर्क्यूटरी, जिसका मतलब है न्यूरॉन्स का कनेक्शन, उसे आप हार्डवेयर की तरह देखें और इन्फॉर्मेशन को दिमाग के सॉफ्टवेयर की तरह। ये तरीका है जिससे आपका दिमाग काम करता है। अगर आप किसी भी चीज को अपनी हैबिट बनाना चाहते हैं तो आपको उसे तब तक रिपीट करना होगा जब तक न्यूरल कनेक्शन परमानेंट नहीं हो जाते। खुद को बदलने के लिए सबसे पहले खुले दिमाग से आउटसाइड द बॉक्स सोचना शुरू करें। न्यूरोप्लास्टिसिटी पुराने न्यूरल कनेक्शन को तोड़कर नए न्यूरल पैटर्न बनाती है, जिसकी वजह से आपके दिमाग में और आप में बदलाव हो पाते हैं। चेंज करने की पॉसिबिलिटी हमारे एनवायरनमेंट, टाइम और बॉडी से इफेक्ट होती है। जब दिमाग नए थॉट्स और इमोशन से रिप्रोग्राम होता है, तब वो आने वाले कल के बारे में सोचने लगता है। हमारा एनवायरनमेंट हमारे बिलीव्स को इफेक्ट करता है और बदलाव लाने की पॉसिबिलिटी में एनवायरनमेंट भी एक बहुत अहम हिस्सा है। मतलब अगर आप अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हैं तो एक अच्छे यानी कि पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहे, इससे आपकी हेल्थ पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। अब समझते हैं कि बॉडी पर प्लेसिबो इफेक्ट कैसे काम करता है। भले ही इंसान के शरीर में 23,688 जीन होते हैं, लेकिन सिर्फ स्टिमुलस के अकॉर्डिंग ही कुछ जीन एक्टिवेट होते हैं। जीन एक्टिवेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। आमतौर पर ये माना जाता है कि जीन की वजह से ही डायबिटीज, हार्ट डिजीज और कैंसर जैसी बीमारियां अगली जनरेशन में जाती हैं। लेकिन रिसर्च का कुछ और ही कहना है। रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि हमारे जीन कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे एनवायरनमेंट और थॉट से इफेक्ट होते हैं। चलिए अब एक गजब के प्रोसेस को देखते हैं जिसका नाम है एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स का मतलब है जीन को सेल के बाहर के मैसेज के द्वारा कंट्रोल करना। इसके अंदर हमारे थॉट्स और एनवायरनमेंट आते हैं। एक स्टडी में ये तक पाया गया है कि एक ही डीएनए के साथ पैदा हुए जुड़वा बच्चों के अंदर सेम बीमारियां नहीं है। इसका मतलब है दोनों में अलग अलग बीमारियां हैं और इसका रीजन है कि वो दोनों अलग अलग सोचते हैं और अलग एनवायरनमेंट में रहते हैं। इस लेवल तक हमारा एनवायरनमेंट हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है। लंबे समय तक स्ट्रेस लेना बॉडी में इम्बैलेंस पैदा करता है, जिससे कई हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है इम्यून सिस्टम का कमजोर होना। इसलिए आपको कम से कम स्ट्रेस लेना चाहिए। अब ये समझते हैं कि कैसे थॉट्स ब्रेन और बॉडी को बदलते हैं। प्लेसिबो बनने के लिए इमेजिनेशन एक बहुत अच्छा टूल है। डॉक्टर डिस्पेंसा एक ऐसा ही पावरफुल टूल देते हैं जिसका नाम है मेंटल रिहर्सल। इसमें कोई भी बड़ी बीमारी होने से पहले ही हम अपनी जीन को बदल सकते हैं, जिससे कि वो बीमारी हो ही ना। तो चलिए फिर इस टूल की सक्सेसफुल स्टोरीज को देखते हैं। काफी सारे स्पोर्ट्स प्रोफेशनल्स जैसे टाइगर वुड्स, माइकल जॉर्डन और लैरी बर्ड ने बताया है कि उन्हें इस टेक्निक से सक्सेस मिली है। 1970s में एक इंसान ने 400 दिन बर्फीली जेल में बिताए थे। वहां पर वो दिमाग में अपने आप के साथ चेस खेल रहा था। 400 दिन पूरे होने के बाद उसने वर्ल्ड चैंपियन को हराया। स्टडीज में ये भी पाया गया है कि जो लोग पियानो बजाने की फिंगर मूवमेंट को प्रैक्टिस करते हैं, वो असली में पियानो बजा पाते हैं। रिसर्च में 70 और 80 साल के 8 आदमियों को उनके 22 साल पहले के एनवायरनमेंट पे ले जाया गया और उन्हें ये विश्वास दिलाया गया कि वो जवान हैं और उसकी वजह से उनकी बॉडी में बहुत अच्छे बदलाव दिखाई दिए। जब इन्हें इनकी रियलिटी से 5 दिन के लिए दूर रखा गया, तब वो टाइम और एज सब भूल गए। मेंटल रिहर्सल की मदद से ये लोग वो लाइफ एक्सपीरियंस कर रहे थे जो ऑलमोस्ट असली थी, जिसकी वजह से इनका दिमाग बदला। कुछ जीन जो 22 साल पहले दबे हुए थे वो अब स्विच ऑन हो गए और जो जीन उनके बुढ़ापे को रिफ्लेक्ट कर रहे थे वो स्विच ऑफ हो गए थे। इस प्रोसेस में कुछ एपिजेनेटिक चेंजेस हुए, जिससे फाइनली वो लोग मेंटली और फिजिकली अपने 22 साल पहले की जिंदगी में जा पाए। दिमाग का फ्रंटल लॉब क्रिएटिविटी, कॉन्साइंस और ड्रीमिंग का एपिसेंटर होता है। जब हम एक नई रियलिटी को इमेजिन करते हैं तो ये हमें उसे एक क्लियर पिक्चर बनाने में मदद करता है। इससे हमारी हीलिंग के इमोशंस बढ़ते हैं, फिर न्यूरॉन्स फायर होते हैं जिससे डीएनए एक्टिवेट होकर और दिमाग का एक नया स्टेट बनता है। अब हम सजेस्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। क्या एक कानून को मानने वाले सिटीजन को किसी अजनबी को गोली मारने के लिए हिप्नोटाइज किया जा सकता है? जवाब है हाँ, अगर वो सजेस्टेबल हो तो। ये एक रिसर्च में पता चला है जहाँ ये टेस्टिंग हो रही थी कि क्या एक इंसान को कुछ ऐसा करने के लिए हिप्नोटाइज किया जा सकता है जो वो अपनी असल जिंदगी में सोच भी नहीं सकता। इसी पहलू में बात करते हैं सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग के बारे में। पहले बताई गई हीलिंग स्टोरीज में 3 कॉमन एलिमेंट्स हैं। उन लोगों ने ठीक होने के आइडिया को एक्सेप्ट किया और अपने आप को एक नई रियलिटी की पॉसिबिलिटी की तरफ मोड़ा। उन्होंने पूरा विश्वास किया कि वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। जब उनकी बॉडी फ्यूचर में रहने लगी, तब उनके दिमाग ने नए प्रोटीन्स को बनाने में सही जीन को एक्टिवेट किया, जिससे वो हेल्दी बन सके। लेकिन सबसे जरूरी चीज इस प्रोसेस में ये थी कि उन्हें ट्रीटमेंट के पूरे टाइम इसी स्टेट में रहना था। हर कोई प्लेसिबो पर रिस्पॉन्ड नहीं करता, लेकिन वो लोग और रिसेप्टिव बन सकते हैं अगर वो ठीक होने की बात पर विश्वास करते हैं और एनालाइज करना छोड़ देते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को इमोशनल ब्रेन कंट्रोल करता है।
कोई भी इमोशन जिसे गहराई से फील किया जाए वो इस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। ये बिल्कुल ऐसे केमिकल बनाता है जैसे जब हम ठीक हो रहे होते हैं तब दिमाग बनाता है। चलिए अब देखते हैं कि आप अपने दिमाग को रिप्रोग्राम कैसे कर सकते हैं। माइंड को रिप्रोग्राम करने का जो सबसे बड़ा स्टेप है वो है कॉन्शियसनेस को कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड पर ट्रांसफर करना। तो देखते हैं आप इसे कैसे कर सकते हैं। क्रिटिकल माइंड को शांत करके सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करने के लिए मेडिटेशन ही एक टूल है। दिखने में ये मुश्किल लग सकता है लेकिन जिन लोगों ने मेडिटेशन टेक्निक को प्रैक्टिस किया है उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। हमारा दिमाग बहुत अलग अलग तरीके के ब्रेन वेव्स को प्रोड्यूस करता है, डेल्टा, थेटा, अल्फा, बीटा, गामा, जिनमें से डेल्टा सबसे स्लो है और गामा सबसे फास्ट। ज्यादातर टाइम जब एनालिटिकल माइंड एक्टिव होता है तब हम बीटा स्टेट में होते हैं। थीटा स्टेट में दिमाग ज्यादा सजेस्टेबल होता है। हम जो रियलिटी क्रिएट करना चाहते हैं उसे बनाने के लिए हाई सजेस्टेबिलिटी की जरूरत होती है। अब बात करते हैं बिलीफ्स और परसेप्शन के बारे में। हमारे बिलीफ्स कहाँ से आते हैं? बिलीफ्स वो थॉट्स और फीलिंग्स होते हैं जो हम बार बार सोचते हैं और फील करते हैं। मतलब जैसे अगर कोई इंसान बार बार बोलता है और फील करता है कि वो हेल्दी है तो ये उसका बिलीफ बन जाता है। बिलीफ हमारे सबकॉन्शियस का पार्ट बनकर अनकॉन्शियसली रियलिटी के परसेप्शन को इफेक्ट करता है। प्लेसिबो इफेक्ट की सक्सेस के लिए पुराने बिलीफ्स जिनमें से ज्यादा झूठे हैं उन्हें बदलना जरूरी है। हमारे पास एक्सपीरियंसेस के परसेप्शन हमारी हेल्थ और वेलबींग को शेप देते हैं। कंबोडियन औरतों के एक ग्रुप की आईसेट कमजोर होती गई और ऐसा उनके परसेप्शन की वजह से हुआ जिससे दिमाग में चेंजेस आए थे जबकि उनकी आंखें अच्छी कंडीशन में थी। अब आप कह सकते हैं कि हमारे परसेप्शन कई चीजों से इफेक्ट होते हैं। हमारे सभी परसेप्शन और बिलीफ्स हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से इफेक्ट होते हैं। आपके आसपास के एनवायरनमेंट के अंदर सिर्फ वो जगह नहीं आती है जहां आप रहते हैं बल्कि आप जो सोशल मीडिया पर कंटेंट देखते हैं वो भी आता है। अगर आप नेगेटिव कंटेंट देखेंगे तो आपके परसेप्शंस और बिलीफ्स नेगेटिवली इफेक्ट होंगे और अगर आप पॉजिटिव कंटेंट देखेंगे तो पॉजिटिवली इफेक्ट होंगे। एक हॉस्पिटल में जो पेशेंट हरे भरे पेड़ों को देख रहे थे वो जल्दी ठीक हो गए और उन्हें दवाइयों की भी कम जरूरत पड़ी। ये इफेक्ट है एनवायरनमेंट का हमारी हेल्थ और परसेप्शन पर। अब हम क्वांटम माइंड के बारे में बात करते हैं। यूनिवर्स के दो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। क्वांटम फिजिसिस्ट ने ये पाया कि एटम्स में ज्यादातर खाली जगह या एनर्जी होती है। उसके साथ वो एनर्जी फ्रीक्वेंसीज के नेटवर्क से बने होते हैं जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है। क्वांटम मॉडल में स्पेस और टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसका मतलब हर पॉसिबल रियलिटी जो हम इमेजिन कर सकते हैं वो प्रेजेंट है और अवेलेबल है। हर एक एटम लगातार वाइब्रेट करता है और एक यूनिक एनर्जी फील्ड बनाने के लिए अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकालता है। क्वांटम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सारे पार्टिकल्स एक इन्फॉर्मेशन के समुद्र से कनेक्टेड हैं, जो कि एक फील्ड है जो कॉन्शियसनेस यानी कि थॉट्स और एनर्जी या फ्रीक्वेंसी से बना है। क्योंकि हम भी एटम से बने हैं और एक स्पेसिफिक एनर्जी रेडिएट करते हैं, तो अगर हम अपनी एनर्जी फील्ड को अपने परसेप्शंस और अच्छे पॉजिटिव इमोशंस जैसे ग्रेटिट्यूड और इंस्पिरेशन से ऊपर उठाते हैं तो हम पक्का ही अपनी फिजिकल बॉडी में बदलाव देख सकते हैं। आइए देखते हैं इसे किसने किया और कैसे किया। अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करके हम अपनी एनर्जी को बढ़ाकर हम काफी सारे एक्ट्स जैसे जहर पी लेना, आग पर चलना और कांच को चबाना, इन सब में देखा जा सकता है। इन एक्ट्स को परफॉर्म करते टाइम ये परफॉर्मर्स एक हाई कॉन्शियसनेस से ऑपरेट कर रहे थे। जब वो अपने आप को अपने लिमिटिंग बिलीफ्स और एनवायरमेंट से नहीं रोकते हैं तब वो एनर्जी बन जाते हैं जो कि अपनी बॉडी के सेल्स को कंट्रोल करके दर्द और जहर को सह सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग फिजिकल, मटेरियल और एनर्जी फील्ड्स कंप्लीट होने के लिए एक साथ आते हैं और ये सब एटम्स और मॉलिक्यूल के कांस्टेंट कम्युनिकेशन के थ्रू हो पाता है। बीमारी के टाइम कम्युनिकेशन पर इफेक्ट पड़ता है इसलिए बॉडी कम वाइब्रेशन की स्टेज में होती है। जैसे ही हम अपनी एनर्जी को बढ़ाते हैं ये कम्युनिकेशन बेहतर होता है और सेल्स एक साथ जुड़कर काम करने लगते हैं जिसकी वजह से सेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल बढ़ जाते हैं जो डीएनए को हीलिंग करने के लिए सिग्नल देते हैं। अब बढ़ते हैं पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की तीन स्टोरीज की ओर। लॉरी एक ऐसी जेनेटिक कंडीशन से सफर थी जिसने उसकी हड्डियों को बहुत कमजोर और नाजुक बना दिया था। उनके बहुत फ्रैक्चर्स हुए और वो डिप्रेशन में चली गई। ऐसा एनवायरनमेंट जहां पर हमेशा डर को महसूस करना ही लॉरी की इंटरनल प्रोग्रामिंग बन गई थी। डॉक्टर डिस्पेंसर की वर्कशॉप को अटेंड करने के बाद लॉरी को पता चला कि ठीक होने के लिए उन्हें अपने ओल्ड सेल्फ को जाने देना होगा। इसके बाद उन्हें पहले से काफी आराम मिलने लगा लेकिन बड़ी चीज तब हुई जब उन्हें एक वर्कशॉप में मेडिटेशन के बारे में पता चला। उससे सीखने और प्रैक्टिस करने के बाद वो और भी ज्यादा ठीक होने लगी। बार बार प्रैक्टिस करने के बाद लॉरी के फ्रैक्चर्स भी चले गए लेकिन जनवरी 2013 में जब उनके फ्रैक्चर्स फिर से आने लगे तब लॉरी ने पूरे विश्वास के साथ हील होने की अपनी शक्ति में विश्वास किया और कुछ ही महीनों में
लॉरी सिर्फ अपनी माइंड की ताकत का इस्तेमाल करके पूरी तरह से ठीक हो गई। कैंडे से खराब रिश्ते, झगड़े और हर रोज के चिल्लाने से बहुत परेशान थी, जिसका असर उनकी हेल्थ पर पड़ा। कैंडेस को हाशिमोटोस थायरॉइड की बीमारी थी, जिसमें इम्यून सिस्टम थायरॉइड ग्लैंड पर अटैक करता है। सभी डॉक्टर्स ने उन्हें कहा कि ये बीमारी जेनेटिक है और उन्हें जिंदगी भर दवाइयां खानी होंगी। डॉक्टर डिस्पेंजा की बुक पढ़ने के बाद कैडेंस को यह एहसास हुआ कि उनकी बीमारी के लिए वो खुद ही जिम्मेदार हैं। हमेशा स्ट्रेस में रहने की वजह से इम्यून सिस्टम को बहुत ही कम एनर्जी मिल रही थी। उन्होंने ये ठान लिया कि वो अपने बिलीव्स और कंडीशनिंग को बदलेंगी। मुश्किल होने के बावजूद भी कैडेंस रोज सुबह 4:30 बजे उठकर मेडिटेशन करती। धीरे धीरे उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई देने लगे। कैडेंस हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहती थी, इसकी वजह से नई जीन्स को नई सिग्नल मिले। उन्होंने अपने सभी नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव में बदल दिया, जिससे उनकी बॉडी बैलेंस स्टेट में आ गई। अपने सोचने की ताकत का इस्तेमाल करके कैडेंस एक खुशहाल और बिना बीमारी की जिंदगी जी पाई। 59 साल की औरत जिनका नाम जॉन था, वो एक दिन अचानक गिर गई। टेस्ट करने के बाद उन्हें पता चला कि उन्हें मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, जिसमें इम्यून सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अटैक करता है, जिससे नंबनेस, पैरालिसिस और ब्लाइंडनेस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। जॉन, जो कि एक हाईली सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन और एक माँ थी, उन्हें पता चला कि एक फास्ट पेस जिंदगी जीने से उन्होंने अपनी बीमारी के अर्ली साइंस को इग्नोर किया था, जिसकी वजह से आज उन्हें बेड पर रहना पड़ रहा है। जॉन ने डॉक्टर डिस्पेंजा की पहली बुक में मेंटल रिहर्सल के बारे में पढ़ा। हर रोज काफी सारी चीजों का मेंटल रिहर्सल करने से उन्हें चलने में मदद मिली। पॉजिटिव थॉट्स को सबकॉन्शियस माइंड में प्लान करने से जॉन अपनी बीमारी को स्लो डाउन कर पाई, लेकिन वो उन्हें पूरी तरह से खत्म करना चाहती थी, भले ही डॉक्टर इसे इम्पॉसिबल कह चुके थे। जॉन ने अपना स्टेट एक बीमार इंसान से एक हेल्दी इंसान में बदल दिया। डॉक्टर डिस्पेंजा की दूसरी वर्कशॉप में जॉन व्हील चेयर पर गई, लेकिन आखिरी मेडिटेशन के खत्म होने पर उन्हें अपनी बॉडी में शिफ्ट महसूस हुआ। वो अपनी आंखों में आंसुओं के साथ उठी और व्हील चेयर से उठकर पूरे रूम में चली। ये असल में एक चमत्कार था। जॉन ने एक ही घंटे में नई जीन को सिग्नल करके खुद को हील कर दिया था। इन तीनों स्टोरीज में बताया गया है कि आप अपनी मेंटल कंडीशन को बदलकर अपने अंदर कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इन्फॉर्मेशन से ट्रांसफॉर्मेशन तक, प्रूफ कि आप ही प्लेसिबो हैं। प्लेसिबो इफेक्ट तब काम करता है जब आप किसी एक्सटर्नल चीज जैसे कि दवाई, डॉक्टर या इंजेक्शन पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं और कुछ टाइम के बाद बिना इनका इस्तेमाल किए आप मन चाहे रिजल्ट पा सकते हैं। मेडिटेशन इसी चीज में बहुत ज्यादा मदद करता है। वर्कशॉप में हिस्सा लेने वालों की ब्रेन एक्टिविटी के अलग अलग पैरामीटर को मेजर करने के बाद न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर जेफरी ने डॉक्टर डिस्पेंजा की मदद की और 402 EEGs को स्टडी करने के बाद दोनों ने कंक्लूड किया कि दिमाग का आपके लिए काम करना और बैलेंस दिमाग की स्टेट से जुड़ा है। मेडिटेशन के टाइम पार्टिसिपेट करने वालों के ब्रेन ने लो ब्रेन वेव्स को प्रोड्यूस किया, जो ये बताते हैं कि वो डीप रिलैक्सेशन स्टेट और हाई अवेयरनेस की स्टेट में थे। दिमाग के फ्रंट और बैक पार्ट में और लेफ्ट और राइट हिस्से के बीच में यूनिफिकेशन भी बढ़ गया था। मेडिटेशन के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और आपको अपने दिमाग को शांत करने के लिए इसे डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करना चाहिए। यहाँ पर डॉक्टर डिस्पेंजा ने वर्कशॉप में हिस्सा लेने वाले कुछ लोगों के ब्रेन स्कैन्स भी शेयर किए हैं। दो टाइप्स की रीडिंग्स ली गई थी। पहले स्कैन ने रीडिंग ब्रेन के अलग अलग हिस्सों के बीच की एक्टिविटी को मेजर किया। QEEG एनालिसिस, जिसे जी स्कोर रिपोर्ट भी कहा जाता है, ये दिमाग की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर दिमाग की अलग अलग एक्टिविटीज को दिखाती है। कार एक्सीडेंट के बाद जॉन को सर और स्पाइनल कॉर्ड में इंजरीज हो गई थी और डॉक्टर्स ने कहा कि वो कभी भी चल नहीं पाएंगे, लेकिन जॉन ने ये बात नहीं मानी। उन्होंने रोज मेडिटेशन करना शुरू किया और पॉजिटिव रिजल्ट्स पाए। 7 सालों के दौरान जॉन, जो कि पहले व्हीलचेयर पर रहते थे, उसी जॉन ने व्हाइट वाटर राफ्टिंग की, यहाँ तक कि उन्होंने जंगल में 6 दिन भी बिताए। उनके डॉक्टर्स ने भी ये कहा कि उन्होंने कभी भी ऐसी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की रिकवरी नहीं देखी थी। ब्रेन स्कैन्स में भी ये दिखाई देता है कि शुरू में उनके ब्रेन में कोई भी एक्टिविटी नहीं थी और मेडिटेशन के साथ एक्टिविटी और तालमेल बढ़ता गया। जॉन अपनी एनर्जी को इतना ऊपर ले गए कि वो पूरे कॉन्शियस बन गए, जिससे स्पाइनल कॉर्ड में एपिजेनेटिक चेंजेस हुए। इसी तरह की हीलिंग पेशेंट में नोटिस की गई जो पार्किंसन से सफर कर रहे थे, और ये हीलिंग मेडिटेशन की वजह से पॉसिबल हो पाई। चलिए अब मेडिटेशन के बारे में कुछ और गजब की चीजें देखते हैं जो आपको जिंदगी में मदद करेंगी। मेडिटेशन की तैयारी। डॉक्टर डिस्पेंजा हमें मेडिटेशन के बारे में काफी चीजें बताते हैं, जैसे कहाँ, कब और कैसे मेडिटेशन करनी चाहिए। वो मेडिटेशन के तरीकों को आसान स्टेप्स में समझाते हैं। मेडिटेशन कब करें? मेडिटेशन करने का सबसे बेस्ट टाइम है सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। कहाँ मेडिटेशन करें? मेडिटेट करने की एक जगह तय करें जहाँ कोई डिस्ट्रैक्शन या गैजेट्स ना हो। अपनी बॉडी को कंफर्टेबल करें, कंफर्टेबल कपड़े पहने और कम से कम 1 घंटा शांति से बैठने की तैयारी करें। कितनी देर तक मेडिटेशन करें? मेडिटेशन को कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे के लिए करें और तैयारी के लिए भी कुछ टाइम रखें।
जब हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, हमारी कंडीशन बॉडी और माइंड हमें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और हमें मेडिटेशन को छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन मेडिटेशन में सक्सेस तभी मिलती है जब डिस्ट्रैक्ट करने वाले विचारों को इग्नोर करके फोकस को प्रेजेंट मोमेंट पर लाया जाए। हर रोज की प्रैक्टिस आपको इसमें मदद करेगी। जितने ज्यादा दिन आप मेडिटेट करते जाएंगे, उतना ज्यादा आप अपने दिमाग पर काबू पाएंगे और डिस्ट्रैक्शन से भी आसानी से जीत पाएंगे। डॉक्टर डिस्पेंसा ओपन फोकस मेडिटेशन सिखाते हैं, जो एक बुद्धिस्ट मेडिटेशन है। ये मेडिटेशन हमें ऐसे स्टेट में ले जाती है जहां हम अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। ये मेडिटेशन हमारे अटेंशन को अंदर की तरफ मूव करती है। जब इसे ठीक से किया जाए तो ये हमारी बॉडी में बैलेंस ला सकती है। बॉडी में बड़े बदलाव लाने के लिए बॉडी, टाइम और एनवायरनमेंट के कॉन्सेप्ट को छोड़कर नो बॉडी, नो टाइम और नथिंग के स्टेट को अपनाना होता है। इसका मतलब हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना होगा। अगर अवेयरनेस प्रेजेंट मोमेंट में होगी, जिसे ऑथर स्वीट स्पॉट कहते हैं, तो अनगिनत पॉसिबिलिटीज आपके पास आएंगी। सोफिया, जो कि ऑथर की वर्कशॉप की पार्टिसिपेंट थी, वो मेडिटेशन के समय अपनी आंखें बंद होते हुए भी रूम का पूरा 360 डिग्री व्यू देख पाती थी। सोफिया के ब्रेन स्कैन्स में ये पता चला कि वो सिर्फ विजुलाइज नहीं कर रही थी, बल्कि वो अपनी आंखें बंद होते हुए भी सब कुछ देख पा रही थी। आप मेडिटेशन के थ्रू ये लेवल अचीव कर सकते हैं। करंट स्टेट से हायर स्टेट में जाने से हमारे स्टेट ऑफ बीइंग में चेंज आ सकते हैं। इसलिए हाई स्टेट में जाने के लिए मेडिटेशन के एक्सपीरियंस की एनर्जी हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से ज्यादा होनी चाहिए। इस चैप्टर में डॉक्टर डिस्पेंसा ने मेडिटेशन की एक अनोखी टेक्निक के बारे में बताया है, जिसका इस्तेमाल करके बहुत से लोगों ने खुद को हील किया है। मेडिटेशन शुरू करने से पहले ये एक्सरसाइज करें। ऐसे दो परसेप्शन के बारे में सोचें जो आपको बदलने हैं और उन्हें पेपर पर लिखें। अब पेपर की दूसरी तरफ बदले हुए परसेप्शन को लिखें और उन्हें फील करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हीलिंग की कुछ गजब की स्टोरीज ने पूरी मेडिकल कम्युनिटी को सरप्राइज किया है। इससे हमें पता चलता है कि हमें ठीक होने के लिए कोई बहुत ज्यादा ताकत नहीं चाहिए। इस वीडियो के एंड में आपको बस एक ही बात कहूंगा कि मेडिटेशन करना शुरू करें। मैं भी मेडिटेशन करता हूँ, लेकिन मुझे अब से पहले ये सब नहीं पता था कि इसके इतने गजब के बेनिफिट्स हैं। आप चाहे कोई भी मेडिटेशन करें, चाहे वो डॉक्टर डिस्पेंसा वाली हो या सिंपल ब्रीदिंग मेडिटेशन, उसे बस करें और कंसिस्टेंट रहें। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई होप आप इस किताब के सभी लेसन्स को अपनी लाइफ में अपनाकर आप अपनी लाइफ को और भी बेहतर बना पाएंगे। आप इस बुक को ऑर्डर करके और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगर आप हमारी समरीज को पढ़ना भी चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट readerbooksclub.com पर विजिट कर सकते हैं। अब आप हमारी सभी बुक समरीज को इंडिया के सभी मेजर ऑडियो प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना एंड हिट द बेल आइकन, ताकि सबसे पहले आप हमारी सारी नई वीडियोस को देख सकें। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।